welcome to online classes a very good morning to all my dear students hows you i hope you all are very fine me pavan sharma pgt commerce from apala school of education again with you to tell about the theory of demand this is a chapter that belongs to microeconomics and this is for class 11th commerce as well as for the class 11th hard students so let's start as i told you earlier i am going to tell you about the theory of demand when we think about the theory of demand first question arises in our mind that is what is demand before going ahead it is very important to understand about the meaning of the demand because the meaning of the demand is the central point of this chapter on the basis of meaning of demand move next in this chapter as you can watch on the screen an ordinary person always get confused when he think about need want and demand these three terms are very different from each other and the demand is a very broad concept and need and want are the narrow concept let's see what is the meaning of these three terms the first term is need

ये हमारी लाइफ के लिए जो एकदम इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते जिनके बिना हम अपनी लाइफ को सर्वाइवल नहीं कर सकते उस तरह के एलिमेंट्स को या उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं हम नीड में जैसे मैंने एक एग्जांपल हाईलाइट किया हुआ है वाटर का ये आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट अभी इसका यूज करेंगे हम नेक्स्ट टर्म इज़ इट लुक्स सिमिलर टर्म टू द नीड but actually need and want both are the different thing want means eagerness to get something simply in a single word we can say desire or you can see on the screen as mentioned a strong wish eagerly we want to buy something we want to obtain something that known as want it means the things without which we can survive बट वी नीड देम फॉर हाइयर सेटिस्फेक्शन और मेक आर लाइफ मोर इजियर दीज थिंगक्लूडेड इन वॉन्ट्स यू कैन अंडरस्टेंड विद द एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स आईफोन एटसेट्रा अभी लास्ट मैंने एग्जाम्पल अभी आपको दिया था वॉटर का वहां हाईलाइट किया हुआ था और वॉन्ट केस में अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक को हाईलाइट किया हुआ है तो वॉटर जो है वो हमारी लाइफ की नेसेसिटी ही है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते इसलिए उसको नीड में काउंट किया है कोल्ड ड्रिंक हमारी लाइफ की नेसेसिटी नहीं है कोल्ड ड्रिंक का हम यूज करें या ना करें लेकिन कोल्ड ड्रिंक हम यूज करते हैं सिर्फ अपना स्टेटस दिखाने के लिए तो कोल्ड ड्रिंक है वो वॉन्ट में काउंट होगा और वाटर जो लाइफ की नेसेसिटी है ये नीड में काउंट होगी वन यूनिवर्सल फैक्ट यू कैन वॉच ऑन द स्क्रीन ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एज एंड वेन वन वॉन्ट इज सेटिस्फाइड अ न्यू वन इज़ अराइज मीन्स की जो ह्यूमन वॉन्ट्स है वो ऑलवेज अनलिमिटेड होती है और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के बारे में हम कह सकते हैं द रिसोर्सिज आर लिमिटेड एंड ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड कभी भी हमारी वॉन्ट्स फुलफिल नहीं होती चाहे हमारे पास कितने भी रिसोर्सिज हो क्योंकि रिसोर्स ऑलवेज वॉन्ट्स के कम्पेरिजन में कम होते हैं तो इसलिए बोला गया ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एज एंड व्हेन वन वॉन्ट इज सेटिस्फाइड अ न्यू वन इज अराइज्ड। नेक्स्ट टर्म यू कैन वॉच ऑन द स्क्रीन दैट इज डिमांड डिमांड इज द सेंट्रल थीम ऑफ आर चैप्टर बिकॉज द टाइटल ऑफ आर चैप्टर इज द थेरी ऑफ डिमांड डिमांड मीन्स वेन डिफरेंट यूनिट ऑफ कॉमोडिटी मीन्स यू कैन से गुड्स एनी आर्टिकल डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज रेडी टू बाई एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसिस ड्यूरिंग टर्म यूज हुई है रेडी टू परचेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रेडी टू परचेज का मीनिंग होगा यहाँ डिजायर प्लस मनी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ मनी प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड मनी कि आपकी डिजायर है यू आर वेरी ईगर टू परचेज यू आर वेरी ईगर टू एक्वायर दैट पर्टिकुलर कॉमोडिटी सेकेंड थिंग यू हैव इनफ मनी थर्ड एंड फाइनल थिंग इज दैट द मनी यू आर विलिंग टू स्पेंड टू बाय ऑन योर डिजायर अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो इस तरह की कंडीशन में अगर कोई भी कंज्यूमर डिफरेंट यूनिट्स किसी भी कॉमोडिटी की डिफरेंट पॉसिबल प्राइसिस परचेज़ करने के लिए अगर रेडी है तो उसे डिमांड बोला जाएगा मीन्स आपकी कोई भी कॉमोडिटी परचेज करने की विलिंग है लेकिन आपके पास मनी नहीं है तो वो डिमांड नहीं होगी सेकेंड थिंग कि अगर आपके पास मनी तो है और लेकिन आप वो पैसा अभी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी पर स्पेंड ना करके किसी दूसरी कॉमोडिटी पर स्पेंड करना चाहते हो तब भी वो डिमांड नहीं होगी डिमांड सिर्फ एक ही केस में बोला जाएगा जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होगी दैट डी नॉट एज रेडी टू परचेज आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिमांड वेरी वेल द नेक्स्ट टर्म इज वेरी सिमिलर टू डिमांड दैट इज क्वान्टिटी डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी परचेज बाय अ कंज्यूमर एट स्पेसिफिक प्राइस मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी को एक पर्टिकुलर प्राइस पर परचेज करने के लिए रेडी है परचेज करता है तो उस कंडीशन को बोला जाएगा क्वांटिटी डिमांड अब आपको ये टर्म कन्फ्यूज़ कर रही होगी कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में आखिरकार दोनों में क्या डिफरेंस है तो इसे आप अंडरस्टेंड कर सकते हो स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिया है आइसक्रीम का एग्जांपल है इससे पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा आपको कि प्राइस और क्वांटिटी का ऑलवेज़ नेगेटिव रिलेशन होता है अगर आपसे पूछा जाए कि आप किसी भी आर्टिकल की किसी भी कॉमोडिटी की कितनी यूनिट परचेज़ करोगे तो श्योरली आपका आंसर भी ये होगा कि उस कॉमोडिटी का प्राइस कितना है क्योंकि नॉर्मल टेंडेंसी ये रहती है कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो हम कम यूनिट परचेज करेंगे और अगर प्राइस कम होगा तो हम ज़्यादा यूनिट परचेज करेंगे तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने के लिए अब देखिए एग्जाम्पल ये है कि कोई भी पर्सन है मिस्टर एक्स है वो आइसक्रीम परचेज कर रहा है पर आइसक्रीम प्राइस जो है वो फोर्टी रुपीज़ है और जब पर आइसक्रीम प्राइस फोर्टी रुपीज़ था तो वो पर डे थ्री यूनिट्स कंज्यूम करता था प्राइस थर्टी रुपीज पर यूनिट हुआ पर आइसक्रीम हुआ तो उसने फोर यूनिट पर डे कंजम्पशन स्टार्ट कर दिया आइसक्रीम पहले फोर्टी पर आइसक्रीम थी अब थर्टी पर आइसक्रीम हो गई प्राइसेस डिक्रीज हो गए और जो पहले थ्री यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा था अब वो फोर यूनिट पर डे कंज्यूम कर रहा है नेक्स्ट कंडीशन ये है कि प्राइस हो गई ट्वेंटी प्राइस और भी ज़्यादा डिक्लाइन कर कर गए तो यहाँ जो कंज्यूमर है वो फाइव यूनिट्स पर डे उसने कंजम्पशन करना स्टार्ट कर दिया तो इस बेसिस पर आप ये कह सकते हो कि प्राइसिस जैसे जैसे डिक्रीज हो रहे हैं फोर्टी थर्टी ट्वेंटी वैसे वैसे उसका जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है थ्री यूनिट फोर यूनिट फाइव यूनिट तो एज अ होल इसे बोलते हैं हम डिमांड और जब हम एक स्पेसिफिक यूनिट की बात करते हैं अगर मैं आपको यह बोलता हूं कि एक कंज्यूमर थ्री यूनिट्स कंज्यूम करता है जब प्राइस फोर्टी रुपीज पर यूनिट है ना तो मैं इससे पहले की बात कर रहा हूं ना मैं इससे बाद की बात कर रहा हूं तो इस तरह की सिचुएशन को बोला जाएगा क्वान्टिटी डिमांडेड जैसा मीनिंग में दिया हुआ है ना स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ अकोमोडिटी परचेज बाय अ कंज्यूमर एट स्पेसिफिक प्राइस स्पेसिफिक क्वांटिटी मींस थ्री यूनिट स्पेसिफिक प्राइस मीन्स फोर्टी कि फोर्टी रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है तो वो थ्री यूनिट परचेज करेगा तो इसे बोला जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड का मीनिंग क्या है डिफरेंट यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय रेडी टू परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस कि प्राइस अगर फोर्टी होगा तो मैं थ्री यूनिट परचेज करूंगा प्राइस थर्टी होगा तो मैं फ़ोर यूनिट परचेज करूंगा प्राइस ट्वेंटी होगा तो मैं फाइव यूनिट परचेज करूंगा मीन्स डिफरेंट प्राइस डिफरेंट यूनिट्स तो इसे डिमांड बोलेंगे स्पेसिफिक प्राइस स्पेसिफिक यूनिट तो इसे क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड शेड्यूल यू कैन वॉच ऑन द स्क्रीन डिमांड शेड्यूल अ टेबुलर रिलेशनशिप प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ टेबल दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट यूनिट ऑफ अकोमोडिटी परचेज एट डिफरेंट प्राइसिस जो अभी हमने डिमांड का मीनिंग किया अब उस डिमांड के मीनिंग में हमने क्या बात की थी कि एक कंज्यूमर एक कॉमोडिटी की डिफरेंट यूनिट डिफरेंट प्राइसेस पर परचेज करता है तो उसे डिमांड बोला जाएगा अब इसे टेबल की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर दें इसी कंसेप्ट को अगर हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे बोला जाएगा डिमांड शेड्यूल डिमांड शेड्यूल वी कैन कैटेगराइज इन टू पार्ट्स इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल नेम से क्लियर हो रहा है इंडिविजुअल मीनस फॉर अ सिंगल कंज्यूमर तो इसका मीनिंग भी आपने वैसे लिखना है डिफरेंट यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी परचेज एट डिफरेंट एटर बाय अ कंज्यूमर एक कंज्यूमर की अगर आप बात करोगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो जाएगा और मार्केट डिमांड शेड्यूल मीनस कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं कलेक्टिवली हम सबकी बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग अगर आपने लिखना है तो इसमें आप बताओगे डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी परचेज एट डिफरेंट प्राइसिस बाई ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट ये अगर आप इसके साथ अटैच कर दोगे तो ये मीनिंग हो जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल का तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड की हम बात कर रहे हैं कि कितने कितने प्राइस पर वो कितने कितने यूनिट परचेज करने के लिए रेडी है और मार्केट डिमांड की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि किसी भी कॉमोडिटी के पर्टिकुलर जो जो प्राइसेस हैं उन प्राइसेस पर मार्केट में डिफरेंट कंज्यूमर कितनी कितनी यूनिट परचेज करने के लिए रेडी है उन सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को जब हम ऐड कर देंगे तो उसे बोला जाएगा डिमांड शेड्यूल द कंसेप्ट ऑफ डिमांड शेड्यूल कैन बी अंडरस्टैंड वेल विद द हेल्प ऑफ एग्ज़ाम्पल अब स्क्रीन पर जो एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं इसमें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल दोनों बताएं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या है आइसक्रीम के प्राइसेस और मिस्टर ए की डिमांड दी हुई है तो आइसक्रीम के प्राइसेस दिए हुए हैं वन टू थ्री फोर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और जो ए की डिमांड है वो फोर थ्री टू वन डिमांड डिक्रीज़ हो रही है ऐसा आपको अभी बताया था मैंने कि प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होंगे डिमांड डिक्रीज होगी और प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज होंगे डिमांड इनक्रीज होगी तो एक सिंगल कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट डिफरेंट डिमांड कर रहा है तो इसे बोला गया है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दूसरा जो एग्जांपल आप देख रहे हैं वो है मार्केट में ए एक कंज्यूमर है बी दूसरा कंज्यूमर है हम एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं कि मार्केट में दो ही कंज्यूमर है ठीक है और प्राइसिस जो है आइसक्रीम के वो है वन टू थ्री फोर प्राइसिस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं अब प्राइस इंक्रीज होंगे तो ये श्योर है कि जितने भी कंज्यूमर मार्केट में होंगे उनकी डिमांड डिक्रीज होगी तो ए की डिमांड फोर थ्री टू वन ए की डिमांड डिक्रीज हो रही है बी की डिमांड जो है वो फाइव देन फोर देन थ्री देन टू बी की डिमांड भी डिक्रीज हो रही है अब प्राइस जब वन था उस केस में ए की डिमांड फोर थी और बी की डिमांड फाइव थी तो मार्केट डिमांड कितनी हुई फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन प्राइस जब टू हुए प्राइस पहले वन थे अब टू हो गए प्राइस इंक्रीज हो गए इंक्रीज हो गए तो ए और बी मीन्स मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड डिक्लाइन करेगी अब ए थ्री यूनिट की डिमांड कर रहा है और बी फोर यूनिट की डिमांड कर रहा है मींस मार्केट में अब टोटल डिमांड है थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू सेवन जो पहले कितनी थी नाइन अगेन प्राइस इंक्रीज हुए थ्री हो गए प्राइस अब ए की डिमांड टू है बी की डिमांड थ्री है टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव लास्ट जो इसमें स्टेज दी है उसमें क्या है प्राइस फोर प्राइस पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए तो ए की डिमांड है वन और बी जो है वो टू यूनिट्स की डिमांड कर रहा है मार्केट में डिमांड है थ्री मींस प्राइस जब वन टू थ्री फोर ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं तो मार्केट डिमांड में क्या हुआ नाइन सेवन फाइव थ्री प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हुए डिमांड वैसे वैसे डिक्रीज हो गई तो इन दोनों टेबल से हमें ये पता लग रहा है कि जो डिमांड का मीनिंग था उसी कंसेप्ट को हम फॉलो कर रहे हैं डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूमर परचेज करने के लिए रेडी है जब हम सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं टेबुलर फॉर्म में उसकी डिमांड और प्राइस का डाटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे बोला जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं कलेक्टिवली उनकी डिमांड की अगर हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू डिफरेंट इन द मार्केट तो उसे बोला जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड कर्व डिमांड कर्व इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन डिमांड शेड्यूल डिमांड शेड्यूल जैसे अभी हमने बात की कि टेबल की फॉर्म में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप जो है वो डिमांड शेड्यूल है और जब उस टेबल फॉर्म के रिलेशनशिप को हम ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे बोला जाता है डिमांड कव मीनिंग देख सकते हैं आप अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट यूनिट ऑफ गुड्स परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस अगर हम इसमें ऐड कर दें बाय कंज्यूमर तो इसे बोला जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व और अगर हम इसमें ऐड कर दें बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट तो इसे बोला जाएगा मार्केट डिमांड कर्व मीन्स जैसे डिमांड शेड्यूल को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल तो डिमांड कर्व को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व मीनिंग इसका भी वही है जो डिमांड शेड्यूल का था वो टेबुलर फॉर्म में है और इसका जब मीनिंग लिखेंगे तो हम लिखेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बाकी दोनों का मीनिंग एकदम सेम है इसे भी आप एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व दोनों के एग्जांपल बनाए हुए हैं ये ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है आप ये ध्यान रखिएगा ये ग्राफ जो पहले टेबल दी हुई थी उस टेबल के बेसिस पर नहीं है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए वैसे ही फ्री एंड ग्राफ ये बनाया हुआ है तो इसमें अगर एक सिंगल कंज्यूमर का हम ग्राफ बनाते हैं नॉर्मली इसमें टेंडेंसी हम फॉलो करते हैं एक्स एक्सिस पर ऑलवेज आप क्वांटिटी लिखोगे मीन्स क्वान्टिटी का डाटा एक्स एक्सिस पर पुट करोगे और प्राइस का डाटा वाई एक्सिस पर पुट करोगे ये इकोनॉमिक्स का रूल है जनरली हम यही फॉलो करते हैं एक्स एक्सिस पर क्वान्टिटी वाई एक्सिस पर प्राइस सिंगल कंज्यूमर की क्वांटिटी और प्राइस को जब हम प्लॉट कर देते हैं ग्राफ के फॉर्म में तो उसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोला जाएगा जो ऊपर ये डायग्राम बना हुआ है और नीचे ये जो तीन डायग्राम आपको बने हुए दिखाई दे रहे होंगे तीन डायग्राम में फर्स्ट और सेकंड डायग्राम जो है वो ए कंज्यूमर और बी कंज्यूमर का डायग्राम है कि ए कंज्यूमर की डिमांड का स्टेटस ये है बी कंज्यूमर की डिमांड का स्टेटस ये है अब ए कंज्यूमर और बी कंज्यूमर इन दोनों की डिमांड को जब हम ऐड कर देते हैं जैसा हमने डिमांड शेड्यूल में किया था तो उसे बोला जाएगा मार्केट डिमांड कर्व और बेसिकली ये जो सेकंड डायग्राम है ये मार्केट डिमांड कर्व का ही है तो आज हमने डिस्कस किया डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड उसके बाद हमने डिस्कस किया मार्केट डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड का ये सब बेसिक टर्म्स है आप ये कह सकते हो थ्योरी ऑफ डिमांड जो चैप्टर है उसमें ये सब बेसिक टर्म्स है सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी था जो हमने डिस्कस किया आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा आज के लिए बस इतना ही बाय बाय गॉड ब्लेस यू